हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कमाल अमरोही सर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर कैरियर के बारे में बताएंगे। कमाल अमरोही ने 1940 में आई मूवी पागल से अपने स्क्रीन प्ले और राइटर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे A.R. कादर। इस मूवी के लीड कास्ट में पृथ्वीराज कपूर, माधुरी, सितारा देवी और नूर मोहम्मद शामिल थे। इस मूवी का बजट 5 लाख रहा। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 38 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल डायरेक्टर सौरव मोदी की मूवी आई भरोसा। इस मूवी के स्क्रीन प्ले और राइटर थे कमाल अमरोही। इस मूवी के लीड कास्ट में चंद्रमोहन, सरदार अख्तर, शीला और माया देवी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1945 में डायरेक्टर के आसिफ की मूवी आई भूल। इस मूवी के स्क्रीन प्ले और राइटर थे कमाल अमरोही। इस मूवी के लीड कास्ट में पृथ्वीराज कपूर, बीना कुमारी, सुरैया, सितारा देवी और आगा शामिल थे। इस मूवी का बजट 5 लाख रहा। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 40 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 1946 में डायरेक्टर अब्दुल राशिद कादर की मूवी आई शाहजहां। इस मूवी के स्क्रीन प्ले और राइटर थे कमाल अमरोही। इस मूवी के लीड कास्ट में KL सहगल, नसरीन, रागनी और रहमान शामिल थे। इस मूवी का बजट 5 लाख रहा। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 60 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1949 में कमाल अमरोही की डायरेक्ट की हुई मूवी आई महल। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, मधुबाला, विजयलक्ष्मी, शीला और जगन्नाथ शामिल थे। इस मूवी का बजट 30 लाख रहा। भारत में कमाई 80 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,45,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1952 में कमाल अमरोही की मूवी आई दायरा। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे कमाल अमरोही। इस मूवी की लीड कास्ट में मीना कुमारी, प्रतिमा देवी, रूपमाला, नासिर खान और रमेश कपूर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1960 में डायरेक्टर किशोर साहू की मूवी आई दिल अपना और प्रीत पराई। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे कमाल अमरोही। इस मूवी के लीड कास्ट में राजकुमार, मीना कुमारी, नादिरा, नाज, प्रतिमा देवी और ओम प्रकाश शामिल थे। इस मूवी का बजट 45 लाख रहा। भारत में कमाई 90 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,80,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल डायरेक्टर के आसिफ की मूवी आई मुगल-ए-आजम। इस मूवी के स्क्रीन राइटर थे कमाल अमरोही। इस मूवी के लीड कास्ट में पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला, दुर्गा कोटे, अजीत और मुराद शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,85,00,000 रहा। भारत में कमाई 5,85,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। 1961 में डायरेक्टर S. बनर्जी की मूवी आई जिंदगी और ख्वाब। इस मूवी के स्क्रीन प्ले और राइटर थे कमाल अमरोही। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, नाजी, मुमताज बेगम, अजीत और आगा शामिल थे। इस मूवी का बजट 45 लाख रहा। भारत में कमाई 70 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,20,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी अबाव एवरेज रही। 1972 में कमाल अमरोही की मूवी आई पाकीजा। इस मूवी के स्क्रीन प्ले और प्रोड्यूसर भी थे कमाल अमरोही। इस मूवी के लीड कास्ट में मीना कुमारी, वीना, गीता कपूर, अशोक कुमार और कमल कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,30,00,000 रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1977 में डायरेक्टर यूसुफ नकवी की मूवी आई शंकर हुसैन। इस मूवी के स्क्रीन प्ले और राइटर थे कमाल अमरोही। इस मूवी के लीड कास्ट में प्रदीप कुमार, कमलजीत, मधु, चंदा, दीना पाठक और श्रीराम लागू शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1979 में कमल अमरोही की मूवी आई मजनूर। इस मूवी के लीड कास्ट में राज खन्ना, राकेश गुलजार, परवीन बॉबी और प्रदीप कुमार शामिल थे और यह मूवी किसी कारणवश रिलीज नहीं हो सकी। 1983 में कमल अमरोही की मूवी आई रजिया सुल्तान। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी, बीना, प्रदीप कुमार और अजीत शामिल थे। इस मूवी का बजट 10 लाख रहा। भारत में कमाई 2 करोड़ हुई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। और यही अब तक की कमाल अमरोही सर की डायरेक्ट या प्रोड्यूस्ड हुई आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको कमाल अमरोही सर का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल और मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। प्लीज दोस्तों, थैंक यू।